हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज दिन है जुम्मा का और कहते हैं यहाँ पे ना जुम्मा के दिन ईद होती है। ईद होती है छोटी। तो आज मैं आपको हाँ सऊदी की ईद शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी सुबह हो रहा है, हम नमाज पढ़ के अभी कर रहे हैं नाश्ता। मम्मी क्या है नाश्ते में? चना बुट्टी। मम्मी काबुली चना ना? हाँ, ये गोश्त है काबुली चने के साथ बने हुए चना बुट्टी। हाँ, और यहाँ है टोस्ट, यहाँ है बटर, ब्रेड, रोटी, रुमाली रोटी और दही। और मैंने भी सेम ही लिया है कहीं ना कहीं, और साथ में मैंने लिया है शहद जो कि मैं ब्रेड के साथ खाऊंगा, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह से नाश्ता हो गया है और अब मैं जाने वाला हूँ जुम्मा की नमाज पढ़ने। और अभी यहाँ के बज रहे हैं, बताता हूँ एक मिनट, अभी यहाँ के बज रहे हैं 8 और नमाज होने वाली है 12:30 to 1:15 बजे। लेकिन जुम्मा की नमाज़ के लिए हम लोग को पहले जाना पड़ेगा, तो मैं आधे एक घंटे में यहाँ से निकलूँगा और जुम्मा की नमाज़ पढ़ने जाऊँगा। तो मैं आज आप लोगों के साथ वो भी शेयर करने वाला हूँ मक्का की जुम्मा की नमाज। तो हम लोग की बस देखो यहीं खड़ी है, आज बहुत भीड़ रहने वाली है। तो अभी जस्ट हम लोग बस से उतरे हैं और यहाँ पे पूरा माहौल खाली है क्योंकि हम लोग आज जल्दी निकले घर से। 12:30 बजे जुम्मा की नमाज़ है और हम लोग घर से निकले हैं 9 बजे, 3.5 घंटा पहले। अभी अनस ने क्या लाया गेहूँ, आज अनस ने देखो ठेकी भर की गेहूँ लाया है कबूतरों के लिए। में हम लोग आ गए, जो लास्ट वीडियो में बताया था यहाँ से जाके सीढ़ी से उतर के सामने काबा शरीफ दिखता है, बट एंट्रेंस आप करोगे ना तो आपको पहले काबा शरीफ का झलक दिख जाएगा। वो देखो आगे दिखा सामने यहाँ, बट अभी हम लोग फिर से यहाँ से जाएंगे सीढ़ी से उतरेंगे सामने काबा शरीफ। चल आज भीड़ बहुत है, अभी जुम्मा की नमाज़ को 3 घंटा है और यहाँ से ही इतनी भीड़ है। माशाल्लाह, यहाँ से ऐसा सामने काबा शरीफ दिखता है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से तवाफ हो गया हम लोग का और उसके बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटा हम लोग ना काबा शरीफ के पास खड़े थे कि सिर्फ काबा शरीफ के पास नमाज पढ़ सके। हाँ, एक और चीज़ भाई, अपन अल्लाह से जो मांग रहे चाहे वो अंदर नमाज पढ़ना हो किधर जाना हो, अल्लाह हर एक चीज़ कबूल करे। इरादे से जो नियत से हम लोग निकल रहे हैं ना घर से, वो इरादा हम लोग का पूरा हो रहा है। तो इसी बात पे मैं सब लोगों के लिए दुआ करूँगा कि मेरे अल्लाह जो भी लोग देख रहे ना उन सब की जायज़ दुआ को अपनी बारे में कबूल फरमा। आमीन। ये देखो अपना बैग और ये रहा काबा शरीफ, माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो मैं बताता हूँ आपको, अभी अजान होगी थोड़ी ही देर में, अभी अजान होगी जोहर की जुमा की। ये देखो क्लीनिंग चालू है। जनाजे की नमाज भी होगी क्योंकि यहाँ पे हर नमाज के बाद जनाजे की नमाज भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज हो गई है और काबे को भी हमने बोसा लिए, उनको चूमे, सर लगाए। वीडियो बनाने नहीं मिला क्योंकि इतना क्राउड था ना कि पीछे से नमाज होते साथ ही धन 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 सब भागे, तो मैं भी उठ के वैसे ही भागा। बहुत अच्छा लगता है जब हम काबे को छूटे। कहाँ पे आना हम अभी 2.5 घंटे से हम लोग ने सिर्फ आधा आधा घूट पानी पियो, अभी बेचारा बाजू वाला हम लोग के ला के दिया था। तो अभी सबसे पहले जाके आप जमजम पिए, बहुत प्यास लग रही है। 2.5 घंटे से एकदम कड़क धूप में बैठे हम लोग, 3 घंटा बोल सकते हैं। तो अभी जाते पहले आप जमजम पीते हैं फिर जाते हैं घर पे। तो हम लोग आ गए घर पे, बहुत भीड़ थी आज क्यों जुम्मा के दिन यहाँ पे सब वर्कर लोग की छुट्टी रहती ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और अपने मक्का शरीफ में भी बहुत, यानी कि हराम में बहुत क्राउड था, रोड पर एकदम भरपूर क्राउड था। और हमें पता है जुम्मा की नमाज़ हम लोग कहाँ पढ़े? कहाँ पढ़े? 3rd saf में। आज एकदम हम लोग फर्स्ट के लिए फुल ट्राई करें, खाली फर्स्ट सफ में पढ़ने के लिए कब से गए मालूम, सुबह घर में से 10 बजे से गए हुआ है, 9 बजे से के ना नमाज हमारे को जो 12:30 की बराबर पहली सफ में मिली। आज 1 बजे की थी, बात भी नहीं मिली, जुम्मा की नमाज 1 बजे की थी, नहीं तो यहाँ पे नॉर्मली जोहर की जमात रहती है 12:30-12:35 की। लेकिन जुम्मा की वजह से खुतबा कितना 25 मिनट खुतबा चला फुल अरबी में, वैसे अरबी में ही होता है लेकिन यहाँ पे एकदम स्लो स्लो 25 मिनट खुतबा पड़ा है। तो 1 बजे की जमात थी, 9 बजे से लेके 1 बजे तक लोग धूप में कड़क धूप
और मक्का शरीफ के पास है ना, बहुत हम लोग कोशिश किए पहले ही जगह मतलब सफे में पढ़ने की, बट हुआ नहीं, पब्लिक आगे पीछे धक्का करके, फिर भी तीसरी सफ में इनकी काबा शरीफ के बहुत नजदीक थे, हम लोग नमाज पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, लिंक क्राउड बहुत था, काबा शरीफ छुए, बट मैं वीडियो में नहीं दिखा पाया क्योंकि इतना क्राउड था ना, नमाज खत्म होते साथ ही धरता धरता सब भागते काबा शरीफ के पास, तो वो चीज दिखा नहीं पाया मैं, कोई बात पहली सफ में भी पढ़ा नमाज पहली सफ। तो चलो अभी चलते, आज बिरयानी बनी, आज खाने में भी कुछ अलग है, तो वो चीज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ईद है, ईद सऊदी में जुम्मा में ईद मनाई जाती है, लोग थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करते ना, वैसे तो पहले से बोला गया था कि भाई फ्राइडे के दिन खाना और अच्छा रहने वाला है, डेकोरेशन अच्छा होने वाला है, तो मैं बताता हूँ कि हम लोग जहाँ से आए हैं तो हमारे लिए खाने का इंतजाम कैसा है। जुम्मा के दिन है ना, हर मुसलमान को सेलिब्रेट करना ही चाहिए, जैसा हमारे खुद के भी घर में हर हर जुम्मा को पुलाव बिरयानी बनती ही है। तो मैं आया हूँ अपने खाने वाले स्टॉल पे, लेकिन सही में यार आज खाने का स्टॉल बहुत अच्छा और खूबसूरत सजाए हुए, देख के मजा आ गया, सच्ची में देख के मजा आ गया, सही में ऐसा लग रहा है कि आज स्पेशल है, फ्राइडे स्पेशल, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो किस तरीके से सजाया गया है, ये देखो माशाल्लाह, ये देखो इसको मोर बनाया है, मोर यहाँ देखो माशाल्लाह, केले यहाँ पे फ्रूट्स है, यहाँ पे कैसा फ्रूट्स है, हमें स्ट्रॉबेरी बता देना बाद में खाना बता, स्ट्रॉबेरी अनार काले अंगूर, अंगूर है ना, अंगूर है, जामुन है शायद, अंगूर है ना, ब्लैक अंगूर, यहाँ पे ना पूरा फ्रूट्स रखा हुआ है, माशाल्लाह, ये काले अंगूर है, अम्मी जरदा मीठे चावल, मीठा जरदा, ये क्या है, बैगन की सब्जी, खीर, अच्छा ये रायता है, दही छाछ का, दही और छाछ, और ये क्या है, चिकन फ्राई, ये है चिकन फ्राई, क्या बात है, और ये बिरयानी, माशाल्लाह। तो ये रही यहाँ की बिरयानी जिसका वेट कर रहे थे हम लोग 3 से 4 दिन से, हमें इतना बड़ा वो तो फ्रूट प्लेट बना दिया ना, एक प्लेट तो फ्रूट के अलग करेंगे, पहले एक प्लेट पूरा बना के बताओ, माशाल्लाह बिरयानी, हाँ चिकन फ्राई, चलो चलो अब ये भी लो ना, ये भी रखो, ये नहीं तो हाथ में ले लेना, मैं पहले मीठा ले लो, चलेगा, हाँ मीठा ये भी लो, एक ये वाले हिस्से में ना सिर्फ फ्रूट डालो, जो तुमको फ्रूट अच्छा लगता है वही लेना, सब मत लेना, जो खाने का, हाँ जो खाने का रहेगा वही लेना, क्या बात है, अच्छा ये भी है कोक, माशाल्लाह क्या बात है, अच्छा वो भी है, हाँ हाँ, तो मैं ये वाटी में निकालो, क्या बात है, तुम्हें जितना खाने का उतना ही लेना, हाँ हाँ बेटा टेंशन मत ले, मैं जितना खाने का उतना ही लेती हूँ, एक काम करो ना, क्या बात है, हाँ तो यहाँ पे ओहो अनार भी आ गया है, माशाल्लाह आज तो बिरयानी के साथ अभी फ्रूट प्लेट हो गई है, पता है फ्रूट सलाद हो गया पूरा, माशाल्लाह क्या बात है, ओहो ये खाने वाले पक्का, ये डेकोरेशन के नहीं बेटा, खाने वाले ही है, ओहो क्या बात है, अंगूर मुझे ये सबसे अच्छा लगा सच्ची में, बहुत अच्छा, नहीं चलेगा, इतना ही ना, केला ये हो गया, क्या बात, अरे वाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मुकद्दर जनाब, थैंक यू, एक जुमला बोलना है, बोलिए ना, अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई और मुमताज आपा, दिल्ली जायका फूड वाले हमारे टूर में आए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा, उनका इस्तकबाल है, और इनके जरिए जो भी आएगा हम उसको खुसूसी डिस्काउंट देंगे, क्या बात, मिर्जा जुमरा टूर की तरफ से, ये सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं देंगे, ये आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस देंगे, ये मैं बोल रहा हूँ, तो ये देखो माशाल्लाह, अम्मी कैसे है आज का खाना, बिरयानी कैसी है, अल्हम्दुलिल्लाह वल्ला हबीबी, भारी होती हुकुम मेरे आका, भारी भारी, क्या बोलता, माशाल्लाह अच्छी बिरयानी, आज तू रोटी को मिस नहीं कर रहा, रोज तू रोटी खाता है, चावल नहीं खाता है, बिरयानी, अरे भाई कोक मेरा कोक मेरे को दो, ये मेरा क्या है, वो देखो तुम्हारे तुम्हारे हाथ में, मैंने दो हाँ दो तुम्हारा ले सवाई तेरा, हाँ चलो बैठे, अच्छी बिरयानी माशाल्लाह, मैं सिर्फ बिरयानी की तारीफ नहीं करूँगा, खाने की सर्विस यहाँ पे, खाने का टेस्ट सब अच्छा था, जितने भी अपन खाए, क्या बताना, नहीं भारी था अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हरे का टेस्ट भारी था, प्लस क्वांटिटी भी अच्छी थी, नाश्ता और खाने में भी कोई लिमिट नहीं है, जितना जो लेना लो, हाँ कभी कभार चिकन में मिल जाता है गिन के, क्योंकि काउंट रहता सबको मिलना चाहिए वैसा, मगर राशिद अपना दोस्त है,
अनस को हर बार दो दिया है। क्या लाया अनस? अनस क्या लाया? अनस क्या लाया बता, बस इतना सी लाया अनस? अच्छा ठीक है। अरे भाई ठीक है बोल के फिर दिखा रहे हैं। और ये अनंत ने ना पहली बार नहीं दूसरी बार लिया है। So sad. और लिखा मैं अनस क्या है वो? रसना भाई, रसना खाने तो थोड़ा वो रसना लिखा। रसना क्या जूस नहीं है? अरे कोके ना आ जाए, ये क्या था ना। तो भाई यहाँ पे हम लोग को जो भी सर्विसेज मिली ना, जितनी भी फैसिलिटीज मिली ना, तो कहीं ना कहीं अपने आमिर भाई का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। नहीं, आज की सर्विस तो बहुत ही अच्छी थी, सजावट भी बहुत ही अच्छी थी, आज का जो खाने का डेकोरेशन। थैंक यू। तो आज हम लोग आए हैं अलबैक खाने। अभी कैसा है ना, अभी सऊदी में आए हैं और अलबैक नहीं खाए तो कैसा रहेगा? अभी हम लोग हमारी ज्यारत तो टाइम टू टाइम कर ही रहे, लेकिन कैसा है ना कि यहाँ की कुछ जो स्पेशलिटी चीज़ें हैं ना, वो भी हम सोचे कि ट्राई करके ही जाते हैं। अभी हम हमारे मुंबई में अलबैक खाते हैं ना, यानी कि अलबैक जो KFC का चिकन होता है ना, उसकी कॉपी में बनाते हैं, और ये है ओरिजिनल। तो यार यहाँ पे आए और ओरिजिनल चीज़ नहीं खाए तो फिर किस मतलब क्या मज़ा। तो आज हम लोग खाने वाले हैं अलबैक का चिकन, तो देखेंगे ये ओरिजिनल कैसा होता है। मैं तो एक्साइटेड हूँ, तू क्या बोलता है ना? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उन तो वहाँ कॉपी देते अलबैक.com, अलबैक, अलबैक, हाँ प्रॉपर अलबैक सऊदी में, बहुत मज़ा है अलबैक। और यहाँ पे क्राउड बहुत, दिन है आज जुमे का, और अंदर देख रहे हो रश कितना है, ये देख अंदर तो क्राउड है ही, और लोग देखो बाहर भी यहाँ पे लाइन लगाए हैं। कम से कम लोग को लाइन में ही आधा पौना घंटा जाएगा ऑर्डर देने में। देखो अलबैक कैसा लेके जाते हैं। बहुत क्राउड है यहाँ पे, इतना सारा अलबैक यहाँ से लेके आए हैं। तुम क्या बोलते? बहुत ज्यादा, ये 10-15 लोग का खाने का लेके आ गए। देखो अभी कैसे अपन ने वहाँ खाते, लेकिन डुप्लीकेट होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। ये ओरिजिनल इतना लेने का भी मकसद ये था कि कुछ चीज छूट ना जाए। हाँ, जो पहली बार अभी मैं यहाँ पे ट्राई करने वाली, ये चिकन नगेट्स, हाँ है ना ये, और ये बन है जो कि अपने को खुद चिकन लगा, मतलब चिकन इसमें डाल के एक टाइप का बर्गर बना के खाना है। अच्छा, हाँ यहाँ पे सॉसेस भी है, देखो यहाँ पे सब अलग अलग सॉस है। ये कौन है? ये शायद स्वीट कौन है। जब तक मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग की पार्टी कहाँ हो रही है, यहाँ का देखो एरिया देखो। हाँ मैं एक बड़ा देख रहे हैं, यहाँ पे ना फैमिली आती है ऐसा बैठती है, और देख रहे एक फैमिली यहाँ बैठी है, एक फैमिली यहाँ पे भी बैठी थी, बट अभी चलेगी। हाँ मैं बताओ ये कौन है? हाँ ये है स्वीट कॉर्न। तो माशाल्लाह आज अपनी दावत हो रही है अलबैक की। हाँ ये सब सॉसेज है, हमें ये सब अलग अलग टाइप के सॉस है, देखो कैचअप है, मेयोनीज है। खा नहीं खा, हमें यहाँ का चिकन कैसा है? अलग टेस्ट है, अपने यहाँ का जैसा नहीं है, थोड़ा अलग है। अलग है ना, अच्छा है ना, माशाल्लाह। ओरिजिनल ये है अलबैक, है ना, यहाँ का सच सब ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। सही में अपने जो है बनता अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा रहता है, क्वालिटी भी अच्छी रहती, लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। फर्क ये है, कहा अपने अनस क्या कर रहा है तू, ये क्या कर रहे हैं? अच्छा नहीं, अब चिकन एक लेग पीस उठा, लेग खा के मुझे बता। हाँ अरबी सीखा तुम, बोलेगा अरबी में? चिकन लेग पीस मैंने, हाँ मैं चिकन नगेट ट्राई करूँगा। क्या स्पाइसी वाला है? अच्छा मतलब उसके जो भी कोटिंग में शायद स्पाइसी पानी, कोई बात नहीं, मेयोनीज से खाएगा ना तो टेस्ट थोड़ा बैलेंस हो जाता है। चिकन ले चिकन, चिकन तो सॉफ्ट है, लेकिन अब आ रही अपनी लेग पीस की। जब तक चिकन नहीं खाओ तो मजा कैसा? हाँ ऐसे खा के सबके मुंह में पानी ला। जितने जन देख रहे होंगे बोलेंगे रियाज भाई क्या अकेले अकेले, तो भाई ये वीडियो यहीं क्लोज करते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताना हम लोग को। तो खाना भी अच्छा लगा और आज की नमाज भी अच्छी थी, जुम्मा की नमाज आज मैंने मक्का में अदा की। नमाज आज की अच्छी ये आज की जुम्मा बोलने का मतलब है आज जो जुम्मा का खुतबे के लिए उसने जो स्ट्रगल किया। नहीं तो वो मेरे लिए अच्छा था ना, मैं अभी अब इसके बाद पता नहीं कब नसीब हो, वो भी नहीं हो मुझे नहीं मालूम। तो इसके लिए आज जो जुम्मा की नमाज थी ना वो मेरे लिए
काफी अच्छी थी क्योंकि वो मैंने मक्के में पढ़ा तो मुझे याद रहेगा, इसीलिए बोला मैंने। सही बात है, मैं भी बोल सकता हूँ ना कि यार मैंने जुम्मा के दिन मक्का में नमाज पढ़ के आया। बहुत कम लोगों को नसीब होती है, अल्लाह सबको नसीब करे। आमीन, मैं तो हर एक के लिए दुआ करता हूँ। मैं तो डेली दुआ कर रही हूँ अल्लाह सबके लिए, जो छूटे हैं मैं भूली हूँ, जिसने बोले हैं जिसने नहीं बोले हैं, सबके लिए अल्लाह सबका अच्छा करे। आमीन आमीन। चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।